स्थानीय पंचायत समिति सभागार में विधायक मुकेश भाकर की अध्यक्षता में बजट घोषणाओं में घोषित हुए कार्यों के धरातल पर क्रियान्वयन की स्थिति को लेकर ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट पेश की। चिकित्सा विभाग की तरफ से पीएमओ डॉक्टर कमलेश कसवा ने बताया कि अस्पताल में वर्तमान में पर्याप्त चिकित्सक व उपकरण मौजूद है, अगर कमी है तो एकमात्र सोनोग्राफी चिकित्सक की। उन्होंने बताया कि डॉक्टरों के लिए 12 क्वार्टर्स के निर्माण का कार्य अभी चल रहा है, ब्लड बैंक सुचारू रूप से चल रहा है व एक नई लैब भी बनने वाली है। बीसीएमओ डॉक्टर मूलचंद चौधरी ने बताया कि नए स्वीकृत हुए सभी 7 उप स्वास्थ्य केंद्रों का कार्य अपने अंतिम चरण में है, नर्सिंग स्टाफ की फिलहाल कोई कमी नहीं है, वही टीकाकरण कार्य भी सुचारू चल रहा है और एक नई लैब भी बनने वाली है। बीसीएमओ डॉक्टर मूलचंद चौधरी ने बताया कि नए स्वीकृत हुए सभी 7 उप स्वास्थ्य केंद्रों का कार्य अपने अंतिम चरण में है, नर्सिंग स्टाफ की फिलहाल कोई कमी नहीं है और टीकाकरण कार्य भी सुचारू चल रहा है। पशुपालन विभाग से डॉक्टर धर्मेंद्र चौधरी ने लंपी को लेकर बताया कि वर्तमान में नए कोई केस नहीं आ रहे हैं और हालात संतोषजनक है। इस दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा की गई। बैठक में प्रधान हनुमा राम कसानिया, थानाधिकारी राजेंद्र सिंह कमांडो, बीडीओ भवरा राम कालवी, जसवंतगढ़ थानाधिकारी अजय कुमार मीणा, वाइस चेयरमैन मुकेश खींच, सरपंच बेगाराम पुनिया सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।